हाँ तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन दे रखा है cot of summation n goes from 1 to 19 cot inverse 1 plus summation 2p। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, दे रखा है क्वेश्चन cot summation n goes from 1 to 19 cot inverse 1 plus summation 2, 2 हम summation बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा p, p goes from 1 to n, ठीक है। अब summation p का मतलब है p goes from 1 to n, इसका मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक, इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होता है n प्लस 1 बाई 2। तो इसकी जगह पे हम यहाँ ये रिप्लेस कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा cot summation n goes from 1 to 19 और cot inverse of 1 प्लस 2, यहाँ पे n, n प्लस 1 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब cot inverse जो a होता है, cot inverse a को हम लोग tan inverse 1 बाई a लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे cot of summation n goes from 1 to 19 tan inverse 1 by 1 plus n, n plus 1, ठीक है जी। अब देखो, अब tan inverse a minus tan inverse b का एक फॉर्मूला होता है बेसिक, आपको याद होगा tan inverse a minus tan inverse b, ये इक्वल टू होता है tan inverse of a minus b upon 1 plus a b, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें इसको देखो a into b नजर आ रहा है 1 upon 1 a plus b, तो यहाँ पे एक अगर हम n ऐड कर दें और एक n माइनस कर दें तो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन में 1 प्लस ए बी आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cot of summation n goes from 1 to 19, यहाँ पे tan इनवर्स of n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, ठीक है जी। अब इसमें हमें n की जगह पे 1 से 19 तक की वैल्यू पुट करनी है, तो देखो ये क्या आएगा cot, सबसे पहले वैल्यू पुट करूंगा n की जगह पे 1, तो आएगा tan इनवर्स 2 माइनस का tan इनवर्स 1, फिर 2 पुट करेंगे आएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, फिर ऐसे हम लोग यहाँ पे लास्ट वैल्यू में पुट करना होगा 19, तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 20, tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स 19, ठीक है। लास्ट से प्रीवियस वैल्यू पुट कर दो जिसमें 18 पुट करना होगा, तो क्या आएगा tan इनवर्स 19 माइनस टेन इनवर्स 18। लास्ट वैल्यू पुट करने से हमें पता लग जाता है कि लास्ट दो टर्म में से कौन सी वाली टर्म हमारी कैंसिल आउट होगी। तो देखो यहाँ पे आपका टेन इनवर्स 2 से टेन इनवर्स 2 गया, 3 तो कट ही जाएगा, सेम यहाँ पे 19 से 19 चला गया, 18 तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा cot of tan इनवर्स प्लस का बच गया tan इनवर्स 20, फिर माइनस का tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आएगा tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस का a इंटू में b, जो कि सिंप्लीफाई करके आएगा cot of tan इनवर्स 19 by 21। अब हम लोग tan इनवर्स a को cot इनवर्स 1 by a लिख सकते हैं, तो दोबारा इसको लिखेंगे ऐसे cot इनवर्स 21 by 19 इज इक्वल टू हो गया 21 by 19, ये इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसी तरीके के और भी आपको जो हॉट्स क्वेश्चन का वीडियोस है वो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है।